जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान स्पेशल शरबत की रेसिपी। बहुत ही रिफ्रेशिंग ये शरबत है, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस शरबत के लिए हम सबसे पहले जेली बनाकर तैयार कर लेंगे। आप किसी भी ब्रांड की रेडीमेड जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने जेली बनाने के लिए आधा लीटर पानी अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो जेली के इस प्रीमिक्स में इस तरह के दो पैकेट्स हैं, इन दोनों को हमने बॉईल किए हुए पानी में ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि पानी ऑलरेडी बॉइल्ड है तो हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस ये दोनों पैकेट्स इसमें घुल जाए तब तक हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। गैस की फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हमें इसे तुरंत ही किसी प्लेट में या फिर बोल में ट्रांसफ़र कर देना है, जिसमें हमें जेली सेट करनी है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें दूसरे फ्लेवर की भी जेली बना लेनी है। हमने यहाँ पर रास्पबेरी और कच्ची केरी का फ्लेवर लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से रेडीमेड जेली का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो इस तरह से जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो दोनों पैकेट हम इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि पानी ऑलरेडी बॉइल्ड है तो दोनों पैकेट्स ऐड करने के बाद बस कुछ ही सेकेंड्स तक इन दोनों चीज़ों के पानी में घुलने तक हमने इसे पका लिया और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और इसी तरह हमें इसे भी तुरंत ही किसी कंटेनर में या फिर प्लेट में, जिसमें हम इसे सेट करने वाले हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जेली को हमने इस तरह से प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब हमें इस शरबत के लिए साबूदाना बॉईल कर लेने हैं। तो हमने यहाँ पर 5 कप जितना पानी अच्छे से बॉईल कर लिया है। पानी के अच्छे से बॉईल होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप साबूदाना। तो इन साबूदाना को हमने पानी से अच्छी तरह धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और अब हमें इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल करना है और बीच बीच में हम इसे इसी तरह चलाते रहेंगे। तो हमें साबूदाना को इतना बॉईल करना है कि ये पूरी तरह कुक हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इनको 15 से 17 मिनट के लिए बॉईल कर लिया, या फिर तब तक बॉईल कर लें जब तक कि ये पूरी तरह कुक ना हो जाए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और छन्नी से इसे छान लेंगे। तो जेली को हमने सेट करने के लिए रूम टेम्परेचर पर रखा था। तकरीबन 1.5 घंटा रखने के बाद ये अच्छे से सेट हो गई। तो इस तरह से जब ये सेट हो गई तो हमने इसे ठंडा करने के लिए कुछ देर तक फ्रीज में रख दिया और अब हम इसे इस तरह क्यूब्स में काट लेंगे। तो अब हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। हमने फ्रीज का ठंडा और कच्चा दूध लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा। अगर रूह अफ़ज़ा अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी ब्रांड का रोज़ सिरप ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें 5 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। इसे मिला लेंगे और हमने जो साबूदाना बॉईल करके रखे हुए थे उसे हमने छन्नी से छान लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साबूदाना अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम इसे शरबत में ऐड कर देंगे और एक बार इसे फिर से मिला लेंगे। और इसी के साथ हमने इसमें ऐड कर देने हैं तुक मलंगा, जिसे सब्जी के बीज भी कहा जाता है। तो तकरीबन 1 टीस्पून जितने हमने सब्जी के बीज लिए और इसे हमने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। और भिगोने के बाद इसकी क्वांटिटी तकरीबन 2 टेबलस्पून हो गई है। और अब हमने जो जेली क्यूब्स में काट कर रखी हुई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने जो जेली सेट की थी उसकी सिर्फ आधी क्वांटिटी ऐड की है। अगर आपको जेली का फ्लेवर ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें पूरी जेली भी ऐड कर सकते हैं। तो इस शरबत को आप 2 से 3 घंटों के लिए फ्रीज में रखने के बाद भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे तुरंत सर्व कर रहे हैं तो इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड करके फिर इसे सर्व कर लें। और इसी के साथ हमारा बहुत ही मज़ेदार और रिफ्रेशिंग शरबत बनकर तैयार है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।